Hello students, today we will learn about English grammar and our chapter number is here, chapter number 15, position words. Today we will learn about position words. आज हम आपको English grammar में position words के बारे में बताएंगे. Position words होते क्या हैं, जिसमें कि हमें time का पता चल जाता है या किसी चीज़ के कोई, अगर हमारी कोई जैसे milk है वो एक बाउल के अंदर है तो वो पोजीशन उसकी क्या है कि मिल्क बाउल के अंदर है, इन है, है ना. और अगर हमारी कोई बुक है तो माय बुक इज़ ऑन द टेबल, जैसे मेरी कोई बुक है, हमारी बुक है तो हमारी टेबल के ऊपर है, उसकी पोजीशन हमें पता चली कि वो कहाँ पर है, वो टेबल के ऊपर है. ऑन माय बुक इज़ ऑन द टेबल. एट, इसमें टाइम और प्लेस की जगह पता चलती है. एट का हमारा यूज़ होता है जब, जैसे कि हमारा टाइमिंग है, द शॉप इज़ ओपन एट 8 o'clock. द शॉप ओपन्स एट 8 o'clock, कि 8 बजे ओपन होती है शॉप. ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आइए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि पोजीशन वर्ड्स होते क्या हैं. वर्ड्स दैट हेल्प टू टेल अस द प्लेस और पोजीशन ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड पोजिशन वर्ड्स. वर्ड्स दैट हेल्प अस टू टेल अस द प्लेस और पोजिशन, वो शब्द जो कि हमें प्लेस और पोजिशन को बताते हैं, किसी पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में, एनिमल पशु के बारे में या थिंग, आर कॉल्ड पोजिशन वर्ड्स. वो शब्द जो हमें प्लेस और पोजिशन का बताते हैं, किसी व्यक्ति की, किसी पशु का या किसी थिंग चीज़ का, आर कॉल्ड पोजिशन वर्ड्स. इनको हम प्रेपोजिशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इन्हें? प्रेपोजिशंस. इन, ऑन, अंडर, आपको आपकी मैम ने केज में भी पहले कराया होगा, आज हम आपको कराएंगे इन, ऑन, एट. दीज आवर पोजिशन वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए पार्ट. वी यूज इन फॉर शोइंग लोकेशन. हम इनका हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई लोकेशन बतानी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, द एप्पल्स आर इन द बास्केट. जैसे एप्पल्स हैं वो बास्केट के अंदर हैं, जो एप्पल्स हैं वो बास्केट के अंदर हैं, इन हैं. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड इज, वो यूज़ ऑन टू टॉक अबाउट द प्लेस वेयर समथिंग इज कैप्ट. अगर जो चीज़ है, हम ऑन का तब यूज़ करते हैं जब बात करते हैं ऐसी जगह की जहाँ पर हमारी चीज़ रखी होती है, जैसे माई बुक इज़ ऑन द टेबल. ओके स्टूडेंट्स, और हम बोल सकते हैं देयर इज़ अ लैम्प ऑन द टेबल. जैसे एक लैम्प है वो टेबल के ऊपर रखा है. ऑन मीन्स ऊपर, इन मीन्स अंदर. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल. नाउ we use, our third point is, we use at to talk about a place or time. हम at का talk कर बात करते हैं तब जब हमें किसी place और time के बारे में पता करना होता है. For example, the shop opens at 8 o'clock. जैसे कि कोई shop है, 8 o'clock open होती है, खुलती है, उसका time उसमें पता चल गया है. अगर हमने आपको कहीं मिलना है, जैसे I will meet you at द पार्क. आई विल मीट यू एट द पार्क. मैं तुम्हें पार्क में मिलूंगी. इस टाइप से हमारा एट का यूज़ होता है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको फिलिप्स के टाइप में यहाँ पर बता रहे हैं. सो सीट केयरफुली. Fill in the blanks with in, on, at. Okay students, हम in, on, at कर fill-ups यहाँ पर करेंगे. First हमारा रहेगा, जैसे कि हम बोलेंगे
my clothes are dash in the cupboard. My clothes are dash in sorry my door clothes are dash the cupboard. सेकेंड पॉइंट हम बनाएंगे, हिज बैग इज डैश द डेस्क. हिज बैग इज डैश द डेस्क. और थर्ड इज द बुक शॉप ओपन्स डैश द book shop opens dash 8 o'clock. okay, fourth हम point एक और बनाएंगे, there is some milk dash the bowl. there is some milk dash the bowl. okay, एक और sentence हम आपके लिए write down कर रहे हैं यहाँ पर, there is a lamp dash the table. there is a lamp dash the table. वन सेंटेंस मोर, इसमें हम यूज करेंगे एक सेंटेंस आपके लिए, आई विल मीट यू डैश द पार्क. आई विल मीट यू डैश द पार्क. अब हम इसमें आपको बता रहे हैं, इसमें हम फिलअप करेंगे इन ऑन एट, कौन सा पोजिशन वर्ड कहां पर यूज होगा. और फर्स्ट सेंटेंस इज माई क्लोज आर डैश द कबर्ड. मेरे कपड़े कहां रखे हैं, कबर्ड में, कबर्ड के अंदर. माई क्लोज आर इन द कबर्ड. सेकेंड इज हिज बैग इज डैश द डेस्क. हिज बैग इज ऑन द डेस्क. उसका बैग डेस्क के ऊपर रखा है. ऑन मीन्स ऊपर. द बुक शॉप ओपन्स डैश. अब इसमें टाइम बताना है तो यहाँ आ जाएगा एट. जब हमें टाइम और प्लेस बताना है तो उसमें हम एट यूज करते हैं. द बुक शॉप ओपन्स एट 8 o'clock. फोर्थ नंबर इज देयर इज सम मिल्क डैश द बाउल. अब मिल्क डैश बाउल से बाहर तो होगा नहीं, तो इसमें हम फिल करेंगे इन, उसके अंदर है. देयर इज सम मिल्क इन द बाउल. कुछ दूध बाउल के अंदर है. देयर इज अ लैम्प डैश द टेबल. देयर इज अ लैम्प ऑन द टेबल. एक लैम्प टेबल के ऊपर रखा हुआ है. ऑन मीन्स ऊपर. आई विल मीट यू एट डैश द पार्क. अब इसमें फिर प्लेस बताया है, पार्क है वो, तो इसमें आई विल मीट यू एट द पार्क. ओके स्टूडेंट्स, ये हमने आपको यहाँ फिलअप्स कराए हैं. हम दोबारा आपको बता रहे हैं, माय क्लोथ्स आर इन द कबर्ड, इसमें हमने इन यूज करा है. हिज बैग इज ऑन द डेस्क. उसका बैग डेस्क के ऊपर है. ऑन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर. ओके, द बुक शॉप ओपन्स एट 8 o'clock. यहाँ पर हमने टाइम बताया है 8 o'clock. तो जो बुक शॉप है वो 8 o'clock ओपन होते हैं, उसके साथ हम एट यूज कर रहे हैं. देयर इज सम मिल्क इन द बाउल. कुछ दूध बाउल के अंदर है. इन अंदर होता है इन. देयर इज अ लैम्प ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर एक लैम्प है. ऊपर मीन्स ऑन. आई विल मीट यू एट द पार्क. मैं तुम्हें पार्क में मिलूंगी. ये हमने यहाँ पर आपको सेंटेंसेस कराए हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको इसके प्रैक्टिकली देंगे इन ऑन एट के. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको कुछ
इन, ऑन और एट के एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली दे रहे हैं. ओके स्टूडेंट, सो सी इट केयरफुली. जैसे हमारा एक बॉल है, द बॉल इज इन द बास्केट, दिस इज अवर बास्केट एंड दिस इज अवर बॉल. माई दिस बॉल इज इन द बास्केट, दिस बॉल इज इन द बास्केट. वी यूज इन फॉर दिस बास्केट. हमने इस सेंटेंस में इन यूज़ करा है क्योंकि जो बॉल है हमारी बास्केट के अंदर है. इन मीन्स अंदर. एक आपको और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम. माई टैडी इज ऑन द टेबल, माई टैडी इज ऑन द टेबल, माई डॉल इज ऑन द टेबल. दीज आर द सेंटेंसेस फॉर ऑन. वी फील हेयर ऑन. My two toys on the table. My two toys are on the table. Okay, students. अब हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे टाइम का. यह हमारी वॉच है, हम इसमें देखेंगे. I will meet you at 9 PM. I will meet you at 9 PM for the dinner. मैं आपको 9 बजे डिनर के लिए मिलूंगी. Okay, students. वी विल मीट इन द पार्क. ये हमारा उसका पोजिशन बताए कि हम कहाँ मिलेंगे. पार्क में बताएंगे, प्लेस बताया उसके लिए. ओके okay? और टाइम, जैसे हमने टाइम बताना है कि हम आई विल मीट यू एट 9 o'clock इन द होटल. मैं तुम्हें होटल में मिलूँगी 9 o'clock. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने आपको ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स दिए हैं. ये इनका एग्जाम्पल है, दिस बॉल इज इन द बास्केट एंड दीज माई टू टॉयज आर ऑन द टेबल. आई विल मीट यू एट 9 PM इन द होटल. इन दिस वे वी डू आवर इन ऑन एट पोजिशन वर्ड्स. आई होप स्टूडेंट्स, जो हमने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको ईजिली समझ आ गए होंगे. जो हमने आपको ग्रीन बोर्ड पर समझाया है ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. सो रिपीट दिस टॉपिक.